हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज मैं एक यूएसबी लैवियर माइक्रोफोन का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि है माउनो का AU-UL20। तो बेसिकली ये एक यूएसबी लैवियर माइक्रोफोन है। जो टिपिकल माइक्रोफोन्स आते हैं लैवियर माइक्रोफोन्स, वो 3.5 mm हेडफोन जैक वाले आते हैं, बट ये एक यूएसबी स्टाइल लैवियर माइक्रोफोन है जो आप अपने पीसी या लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हो। और इसके अंदर एक स्पेशल चिप भी लगा हुआ है जो कि साउंड प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसका साउंड क्वालिटी जो नॉर्मल लैवियर माइक्रोफोन है उससे बेटर आता है। सो इस माइक्रोफोन के हेल्प से आप जूम कॉल्स अटेंड कर सकते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो देखो, बेसिकली जो यूएसबी माइक्रोफोन्स मार्केट में आते हैं जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, वो टिपिकली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। एंड फॉर अ बिगिनर यूट्यूबर, और इवन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, अगर आप स्टूडेंट भी हो और अगर आप एक टीचर भी हो जो नॉर्मल जूम क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आप ये माइक्रोफोन को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज ये डायरेक्टली आपके लैपटॉप के साथ प्लग इन हो जाएगा, आपके पीसी के साथ प्लग इन हो जाएगा, और इसका साउंड क्वालिटी, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो जो नॉर्मल लैप माइक्रोफोन्स होते हैं उससे बेटर रहता है। तो कंपैरिजन के लिए मैं माउनो का ही एक दूसरा लैवियर माइक्रोफोन, जो कि बहुत पॉपुलर माइक्रोफोन है अमेजोन में, AU-400, जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है माउनो का, ये थोड़े सस्ते रेंज में आता है, और करेंटली मैं इसी माइक्रोफोन का यूज़ कर रहा हूँ, AU-400 का। एज यू कैन सी, तो मैं इसी माइक्रोफोन से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट अब इस माइक्रोफोन को हम लोग टेस्ट करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। सो दिस इज द बॉक्स ऑफ माउनो AU-UL20। इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन सी इट इज रिटन दैट इट इज अ यूएसबी क्लिप लैप माइक्रोफोन। टिपिकल जो लैब माइक्रोफोन्स आते हैं वो 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ आते हैं, बट ये एक यूएसबी लैब माइक्रोफोन है। नाउ लेट्स सी बॉक्स के अंदर क्या है। इट इज रिटन थैंक्स फॉर चूजिंग माउनो। ओके, let's keep this to the side. So this is the microphone. It comes with a travel pouch, या फिर आप इसमें microphone को रख भी सकते हो। चलो इसको बाद में देखते हैं और क्या है। This is a user guide which you don't require, you can throw it, and a happy card. Okay, cool. तो चलो अब देखते हैं microphone कैसा है। तो माउनो यूजली ऐसे बैग्स देते हैं। अभी करेंटली जो मैं microphone यूज़ कर रहा हूँ वो भी माउनो का ही है। ये जो माइक्रोफोन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये भी माउनो का है। ये माउनो का बेसिक मॉडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स इसका। ये है AU-400। ये मैं अमेजोन से लिया था, ये थोड़ा सस्ता माइक्रोफोन है, तो अभी तक तो इसी से काम चला रहा था, बट लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करता है। सो ये क्या है। ओके कूल, सिलिका जेल्स आई गेस। एंड और क्या है बॉक्स में। कूल क्लिप, और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द होल पार्ट। ये आप अपने पीसी में आप प्लग इन करोगे, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से आप अपने साउंड को मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी टाइप का नॉर्मल जो ईयरफोन्स होते हैं 3.5 mm हेडफोन जैक वाले, वो आप डाल के मॉनिटर कर सकते हो कि आप एक्चुअली में रिकॉर्ड क्या कर रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, रियल टाइम में आप सुन सकते हो अगर आप इसमें ईयरफोन्स लगाओगे तो। एंड इसके अंदर एक चिप भी है जो कि साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ऐसा कंपनी तो बोलती है। नाउ लेट्स सी, अभी टेस्ट करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट हैवी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना हैवी होगा, बट ओके कूल। दिस इज़ द माइक्रोफोन। लुक एंड फील में ये थोड़ा सा पतला है, अगर मैं इससे जो करेंटली जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कंपेयर करूँ तो ये वाला थोड़ा पतला है एंड थोड़ा सा भारी लग रहा है। तो डेफिनेटली ये सेम तो नहीं है, ये डिफरेंट है। अब इसे कंप्यूटर पे लगा के टेस्ट करेंगे एंड करेंटली जिस माइक्रोफोन से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके साथ इसको कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इससे बेटर परफॉर्म करता है कि नहीं। तो अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो वो मेरे पुराने माइक्रोफोन यानी कि AU-400 से आ रहा है, जो कि एक 3.5 mm हेडफोन जैक वाला लैवियर माइक्रोफोन है। और आप खुद देख सकते हो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मैं थोड़े पास में आके भी बोल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो अगर कभी कभी हमारे मुंह से जो एयर निकलता है, जैसे ये वाला जो साउंड आता है, वो ये कैसे कैप्चर कर रहा है माइक्रोफोन, और अगर इसको थोड़ा सा दूर रखे तो साउंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अब मैंने अपने यूएसबी माइक्रोफोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है और अब जो साउंड सुन रहे हो वो इस यूएसबी माइक्रोफोन से आ रहा है। अभी मुझे नहीं पता इसका साउंड कैसा आ रहा है और मैं इसमें किसी भी तरह का प्रोसेसिंग नहीं करूँगा। जैसा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अभी ऑडेसिटी में साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसा साउंड रिकॉर्ड होगा वैसे ही मैं वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आप खुद से टेस्ट कर सकते हो कि इसका साउंड कैसा आ रहा है। अगर मैं थोड़े पास में आके बोलूँ तो आप टेस्ट कर सकते हो, और अगर इसमें एयर का साउंड आ रहा है कि नहीं आप वो भी बताना।
ठीक है। और अब अगर इसको हम थोड़ा दूर रखें तो साउंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कौन सा ज़्यादा क्लियर है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और अब मैं स्विच करता हूँ अपने पुराने माइक्रोफोन में। सो अब मैं AU 400 से अपना साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मैं दोनों को साइड बाय साइड रिकॉर्ड करके आपके सामने दिखा दिया हूँ। और अब आप खुद जज करो कि किसमें साउंड बेटर आ रहा है। इस USB माइक्रोफोन से आप अपने साउंड को रियल टाइम मॉनिटर भी कर सकते हो कि आप क्या बोल रहे हो, आपका साउंड कैसा आ रहा है। तो ये एक एडेड फीचर है जो कि तुम्हें नॉर्मल इस टाइप के लैप माइक्रोफोन्स में नहीं मिलेगा। तो ये एक एडेड फीचर है और क्वालिटी आप लोग जज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि कैसा आ रहा है। इसका प्राइस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आई थिंक जो फीचर है साउंड मॉनिटरिंग का, और ये स्पेशली एक USB माइक्रोफोन है तो ये आप अपने PC में बहुत ईजिली यूज़ कर पाओगे। तो जो एडिड बेनिफिट्स है और इवन द साउंड क्वालिटी, मैंने अभी तक तो सुना नहीं है बट मैं रिकॉर्ड करने के बाद इसको सुनूंगा, कंपेयर करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि साउंड वाइज ये वर्थ इट है कि नहीं। बट यस, फीचर वाइज ये डेफिनेटली वर्थ इट है। और अब आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको किस माइक्रोफोन का साउंड बेटर लगा, AU 400 का या फिर AU UL 20 का। तो चलो, दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाय।